महीना चल रहा है और लोग अपने अपने भक्ति भाव के तरीके से बाबा भोले को खुश करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनका क्या जो अपनी नौकरी के चलते उस भाव से पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं जिस भाव से वो करना चाहते हैं, चाहे वो सेना के जवान हों या हमारी सुरक्षा व्यवस्था में खड़े पुलिसकर्मी। अब ऐसे में अगर अचानक से कोई जवान या पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के साथ साथ बाबा को प्रसन्न करते हुए नजर आ जाए तो फिर ये नज़ारा देखने लायक होता है। इस सावन के महीने में जब हजारों लाखों कांवरिया कांवड़ लेकर बम बम के नारे लगाते हुए शिव के धाम जाकर उनका जलाभिषेक कर रहे हैं, तो उसी बीच इस खाकी वर्दी में बम बम का नारा लगाता हुआ ये पुलिस ऑफिसर वायरल हो रहा है। लेकिन बम बम भोले का नारा लगाता हुआ ये ऑफिसर कुछ लोगों की आंखों में खटक गया और फिर क्या था, खड़े होने लगे तमाम सवाल कि वर्दी पहनकर बम भोले का नारा ये ऑफिसर कैसे लगा सकता है। और सवाल खड़े करने वाले कोई और नहीं बल्कि जाने माने चैनल के एक पत्रकार हैं। लेकिन पत्रकार का ये वीडियो पोस्ट कर इस ऑफिसर के नौकरी पर सवाल उठाना उसी पत्रकार पर भारी पड़ गया है। जी हाँ, जैसे ही उसने इस पर सवाल उठाया लोगों ने इफ्तार और नमाज की पुरानी तस्वीरें ट्वीट करनी शुरू कर दी। संजय त्रिपाठी नाम के एक पत्रकार ने ट्विटर पर बम बम का नारा लगाते हुए इस ऑफिसर का वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि वर्दी उतारो और साधु बनो, क्या समस्या है और किसने रोका है, कहीं से लगता है कि इन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन्हें ड्यूटी पर लगाया गया है, ये सवाल इस पत्रकार ने खड़ा कर दिया। अब इसके जवाब में उन्हीं के चैनल के एक पत्रकार ने लिखा कि त्रिपाठी जी इसमें कुछ गलत नहीं है, जिसके जवाब में पत्रकार साहब लिखते हैं कि आदरणीय आपसे बहस नहीं करूंगा। अब इसी बीच अंकित दुबे नाम के एक यूजर ने कमेंट किया कि भाई आगरा के तरफ जाना तो एक बार परामर्श ले लेना डॉक्टर साहब से। इस कमेंट का जवाब देते हुए पत्रकार महोदय ने एक और ट्वीट किया और फिर से अपनी भद पिटवा ली। पत्रकार साहब ने लिखा कि आप भी आंखों का इलाज करवाते आना भाई। इसके जवाब में यूजर ने लिखा कि रोते रहो भाई, अभी बहुत रोना है, ये रोंदू ट्वीट देखकर सुकून मिलता है, मेरा नजर और नजरिया दोनों सही है, इसीलिए आपको आगरा जाने का सलाह दिया, ना कि हकीर रहमानी के यहाँ। जय हो महाराज जी, जय हिंदू राष्ट्र। इसके बाद हार मान चुके पत्रकार महोदय ने फिर लिखा कि जाओ प्यारे, आनंद लो, बहस नहीं कर पाओगे। और इसका करारा जवाब देते हुए यूजर की तरफ से लिखा गया कि खुद को स्वयंभू मान चुके व्यक्ति को ऐसा ही अभिमान होता है, कुछ दिनों में पुष्प वर्षा की भी तस्वीर आएगी, इसके लिए भी आंसू बचा के रखना, सारा आज ही मत बहा देना। अब ये तो हो गया बात विवाद, अब आपको दिखाते हैं वो ट्वीट जिसमें इस पत्रकार महोदय को आईना दिखाया गया है। एक यूजर ने इफ्तार की वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि हिम्मत है तो जरा इस पर भी ज्ञान दो, जब मुंबई के कमिश्नर रोजा इफ्तारी के समय स्वयं अपने हाथों से रोजा इफ्तारी खुलवा रहे थे तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, वर्दी में रहकर ऐसा कार्य ना करें, आप जैसे लोगों का दोगलापन ही इस देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। और नीचे ये वीडियो पोस्ट की थी जो कि आप देख सकते हैं। देखो पुलिस कमिश्नर साहब आपके लिए परोस रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह आपके रोजों को कबूल करे, जैसे ही बर्तन सब तक पहुँचेंगे बेटा इंशाल्लाह दुआ होगी, फिर आपको इफ्तार खोलना है, हाँ दुआ के बाद इफ्तार खोलना है। इसके साथ ही एक और यूजर ने पत्रकार महोदय के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि तकलीफ वर्दी में नहीं आपके डीएनए में है त्रिपाठी जी, एक बार टेस्ट करवा लीजिएगा। और हाँ, क्या पुलिस कर्मी आध्यात्मिक नहीं हो सकते, सिर्फ एक महादेव के नारे से वो साधु बन जाए, ये कैसी घटिया मानसिकता है आपकी, पत्रकार हो आप 10 जनपद के प्रवक्ता नहीं, बाकी हर हर महादेव। इसके जवाब में पत्रकार महोदय ने भी लिखा कि घटियापन आपकी दृष्टि में नजर आ रहा है और डीएनए आपको जचवाने की जरूरत है, यहाँ बिल्कुल फिट है, सच कड़वा होता है, पुलिस वाले आध्यात्मिक होते हैं लेकिन यही पुलिस वाला मुसलमान होकर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करवाता तो आपके गले से लेकर न जाने कहाँ कहाँ मिर्ची लगती, महादेव महादेव। पत्रकार महोदय ने इतना ही लिखा कि इसका जवाब भी आ गया। एक यूजर ने इफ्तार वाला वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि एक बार त्रिपाठी जी ये भी देख लीजिए। वहीं एक यूजर ने नमाज पढ़ते हुए पुलिस कर्मी की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि लेकिन शिव मंदिर में ड्यूटी पर खड़े होकर शिव का जयकारा लगाने के लिए साधु बनना पड़ेगा। एक अन्य यूजर ने सेना के जवानों की नमाज पढ़ते हुए और इफ्तार करते हुए तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि यहाँ पर विषकाल चल रहा था क्या। इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए दूसरे यूजर ने लिखा कि इस पर मुंह नहीं खुला भाई तुम्हारा,
एक अन्य यूजर ने लिखा कि त्रिपाठी जी दिक्कत ये है कि आपको हिंदू मुसलमान करना है, वरना जब पुलिस इफ्तार पार्टी देती है तब आपको दिक्कत नहीं होती है। एक अन्य यूजर ने ये दो तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि इन न्यूज पर तो बड़ा भाईचारा बांटा था आपने, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर भोलेनाथ के नारे लगा रहे हैं तो बड़ी दिक्कत हो रही है आपको। कब तक इस तरह का दोहरा चरित्र लेकर चलोगे महोदय? वहीं एक यूजर ने गाजियाबाद पुलिस भगवा रैली की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि लो पहन लिया भगवा, अब बोल। दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट करके दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर कांवरियों की नहीं बल्कि गाजियाबाद पुलिस की है। एक यूजर ने वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि ये कांवरियां नहीं गाजियाबाद पुलिस है, कांवड़ यात्रा के लिए बेहतरीन पहल। यही कर रहे हैं कि हर सब सेक्टर में एक एक साइकिल बने जिसमें कि साधा का इंटेलिजेंस गैदर कर सकें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हर दृष्टिगत हर दृष्टि से देखें मेरी कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सफल मूवमेंट है। साइकिल से मूवमेंट इजी भी हो जाता है भीड़ में भी, तो इसलिए हमने साइकिल को रखा है और किसी भी कोई भी एक्सीडेंट होने की संभावना भी कम रहेगी, तो इस कारण से सभी लोग साइकिल से घूमेंगे और जिसको जिस क्षेत्र इनका है ना सभी लोग इस्तेमाल करेंगे और इसलिए बनाया गया तो इसको पूरा साइकिल से हमारी एक तो